बांदा जनपद के बेबरू तहसील पर सरदार सेना के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों व बेरोजगारों की समस्या को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। बबीरू में सरदार सेना के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल के नेतृत्व में लगभग एक दर्जन कार्यकर्ता ने किसानों व बेरोजगारों की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी सौरभ मिश्रा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। संगठन के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल ने बताया कि किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान है। खाद नहीं मिल पाने से धान की फसल सूख रही है, जिससे किसान यूरिया खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है। यहाँ का किसान दोगुनी कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर है। इसके अलावा केंद्र व प्रदेश की सरकार बेरोजगारों के लिए ध्यान नहीं दे रही है, ना ही किसी को नौकरी मिल रही है। इन्हीं सब क्षेत्र की समस्या को लेकर सरदार सेना द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। किसानों की समस्या समय चूँकि मतलब यूरिया की इतनी आवश्यकता है कि लोग किसान खाद ढूंढे नहीं पा रहे, क्योंकि मार्केट में वही खाद लगभग दो गुना रेट की बेची जा रही है, जिससे किसान परेशान है। और समितियों में खाद आ रही है तो वहाँ के कर्मचारी और प्लस उनके बोर्ड द्वारा वो मतलब इधर उधर चहेते लोगों को बीच में दी जा रही है, जिससे किसान खाद नहीं पा रहा, परेशान हो रहा है। इसी बात पे कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई है, जिसमें कई किसान घायल हुए हैं। इसी सब समस्या को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। सरकार में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, जिसमें उसमें अभिनेताएँ काफ़ी हुई, काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। उस जात विशेष के लोगों की भर्ती की गई, उसमें एक सचिवालय में अपर सचिव हैं अमर सिंह पटेल, उन्होंने एक आवाज़ उठाई और भ्रष्टाचार की सरकार की पोल खोल दी, तो उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया गया। और जो हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याओं में यूरिया खाद की उपलब्धता नहीं है, किसान परेशान हैं। अगर थोड़ी बहुत खाद आती है तो लाइन में लोग लग के लेते हैं, तो उसमें पुलिस लाठी चार्ज करती है। तो पहली बात तो खाद उपलब्ध कराई जाए किसानों को पर्याप्त मात्रा में, और जो लाठी चार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग सरदार सेना संगठन के माध्यम से प्रदेश सरकार को सचेत करने भी आए हैं और जागृत करने भी आए हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर तमाम समस्याओं को लेकर के इस समय चाहे वो युवा हों, किसान हों, मजदूर हों, सारे लोग परेशान हैं। और हम बबेरू की समस्या को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के आज तहसील परिसर में उपस्थित हुए हैं। किसानों की समस्या ये है कि पूरे क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, किसी भी सोसाइटी पर चले जाइए, किसानों को वर्तमान में यूरिया खाद की सख्त जरूरत है। और अगर 10 दिन के अंदर यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो रही तो किसानों ने अपने खेत में जो पैसा फंसाया है धान की फसल पे या अन्य फसलों पे, वो पूरी फसलें बर्बाद होने की कगार पे खड़ी है। इसलिए और कल एक नई घटना घटी बबेरू के अंदर, बबेरू सोसाइटी में सोसाइटी की मिली भगत और पुलिस कर्मियों की मिली भगत के कारण जो खाद आती है सोसाइटियों में उसको ब्लैक में दुकानदारों को बेच दिया जाता है, जिस कारण से किसान मजबूर है ब्लैक में खाद खरीदने को। आज भी सोसाइटी कहती है हमारे पास खाद नहीं है, तो फिर बबेरू के अंदर दुकानों पे खाद कहाँ से उपलब्ध हो रही है? 400 रुपए 500 रुपए बोरी, एक एक बोरी यूरिया की खाद मिल रही है। अगर सरकार के पास खाद नहीं है, कंपनियों के पास खाद नहीं है, सोसाइटियों के पास खाद नहीं है, तो फिर ये प्राइवेट दुकानों के पास खाद कहाँ से आ रही है? सरकार इसकी भी तो जाँच करे। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। और मैं हूं पूजा। अपने जीवन में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार में जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमारे पापा भी हमसे नाराज हो जाते हैं, तो कभी कभी माँ भी हमको बुरा भला कह देती है, कभी छोटा भाई भी बड़े बोल बोल देता है, और छोटी बहन भी रूठ जाती है। जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो भी हमसे खफा हो जाते हैं। तो न्यूज़ बीके आपके लिए लाया है थैंक यू न्यूज़ बीके। तो बस अपने एहसास को न्यूज़ बीके के माध्यम से अपनों तक पहुंचाइए। थैंक्स न्यूज़ बीके।